अरफात बैंक्वेट्स, दो खुशादा खूबसूरत हॉल्स, 600 तक मेहमानों की बेहतरीन गुंजाइश, फुल्ली एयर कंडीशन, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट एक्सपीरियंस एंड बाअदब स्टाफ, वसीतर पार्किंग एरिया, अरफात बैंक्वेट्स, खिलवत रोड नियर शाली बंडा, हैदराबाद। हिदाया इंटरनेशनल स्कूल की जानिब से हिदाया एथेंटिक 2024 प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया। यह प्रोग्राम गच्ची बोली स्टेडियम में रखा गया था। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी नामपल्ली एमएलए माजिद हुसैन और दीगर मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। मुख्तलिफ ब्रांच के तुलबा व तालिबात और टीचर्स को इस मौके पर अवार्ड और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस मौके पर चीफ फाउंडर ने मीडिया से बात करते हुए सारी तफसीलात बताई। सुनते हैं उन्हीं की जुबानी और देखते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद अब्दुल रऊफ की रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातो व सलाम अला सय्यदुल मुरसलीन वल आकिबतुल मुत्तकीन। अम्मा बाद, मैं हिदाया इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल्स का डायरेक्टर, चेयरमैन, फाउंडर मोहम्मद रियाजुद्दीन आपसे मुखातिब हूँ। आज गच्ची बोली स्टेडियम पर हमारा हिदाया एथलेटिक फीस्टा का प्रोग्राम हुआ। माशाल्लाह बहुत ही सक्सेस रहा और यहाँ पर चीफ गेस्ट माजिद हुसैन एमएलए साहब नामपल्ली और एस ए हुदा साहब और विनीत डीसीपी और हमारे किरण साहब राइफल शूटिंग के चेयरमैन और राम रेड्डी साहब, ये सब लोग शिरकत की और बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम अंजाम पाया और काफ़ी मजमा था यहाँ पर। और पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा एक मोटिवेशन है, इंस्पायरेशन है, वो लोग स्कूल्स पे आ सकते, हमारे स्कूल्स पे देख सकते, आके तहकीक कर सकते, वो लोग आके एडमिशन भी करवा सकते। तो ये जो प्रोग्राम था, ये कोरोना के बाद हम बहुत कोशिश करें तो उसके बाद ये बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमारे अभी फिलवक्त 4 ब्रांचेस है। अभी आने वाला साल आरामगढ़ में एक ब्रांच ओपन होने वाला है और टोली चौक पर एक ब्रांच ओपन होने वाला है और 3 जूनियर कॉलेजेस हैं और एक डिग्री कॉलेज है और बीएड का कॉलेज भी हमारे पास है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाला 1-2 साल के अंदर उसको भी हम जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। आज का प्रोग्राम का मकसद बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चों को जो है फिजिकल फिटनेस क्या होता और मेंटल फिटनेस क्या होता, और बगैर फिजिकल फिटनेस मेंटल फिटनेस से आप स्टडीज़ को आगे लेके नहीं चल सकते। इस वजह से ये प्रोग्राम हमारे पास से ये प्रोग्राम डेली होता कि स्कूल के अहाते में होता, पूरे स्कूल से एक जगह इंट्रा स्कूल का कंपटीशन नहीं था। अभी इंट्रा स्कूल का कंपटीशन हुआ, उसके बाद यहाँ पर इनके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और हर वो चीज़ का जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल्स में पहले से ही चलते, एक्सेप्ट हॉर्स राइडिंग के हर वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हमारे पास है और साथ ही साथ इस्लामिक स्टडीज है हमारे पास और साथ ही साथ कुरान इंटेंसिव हिफ्ज प्रोग्राम भी है और नादरा प्रोग्राम भी है और अरबिक लैंग्वेज भी हमारे पास है। कितने तुलबात और तालिबात को आज क्या क्या फेलिसिटेशन किया गया? आज हमारे पास राइफल शूटिंग के तुलबा को फेलिसिटेट किया गया, आर्चरी के तुलबा को फेलिसिटेट किया गया और रनिंग के तुलबा को फेलिसिटेट किया गया और जो है कराटे के बच्चों को फेलिसिटेट किया गया और बहुत सारे तकरीबन 1,500 से ज़्यादा मेडल्स आज हम लोग तकसीम किए और मोमेंटोस तकसीम किए और ट्रॉफीज तकसीम किए अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहाँ पर था आज प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम गच्ची बोली स्टेडियम में था, गच्ची बोली स्टेडियम पे था। बहुत सारा मजमा था और काफ़ी हमारे जो चीफ गेस्ट वगैरह भी थे, सब सारे के सारे आए हुए थे और हर एक का प्रोग्राम अलग अलग था। हर सब एक साथ नहीं आए, हर एक को टाइम दे के हम बुलाए, हर उसी अंदाज में आए वो लोग, आके वो लोग अपने स्पीच दे के। मैं हिदाया ग्रुप का फाउंडर और चेयरमैन हूँ जी। मेरा नाम मोहम्मद रियाजुद्दीन है जी।